जमात इस्लामी को हुकूमत मिली, वीआईपी कल्चर का खात्मा होगा, गैर तरक्याती अखराजात कम करेंगे। ये जो तुम्हारा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का 1.25 किलोमीटर के घर में रहता है, एक इलेक्शन कमिश्नर 104 केनाल घर में रहता है, ये बादशाहों का निजाम ये खत्म होगा, ये ब्यूरोक्रेसी का निजाम तब्दील करना होगा। पुलिस में हम रिफॉर्म्स लाएंगे और तुम्हारी हुकूमत तुम्हारी खिदमत के लिए होगी, तुम्हारे गले दबाने के लिए, तुम्हारे जेबों पर डाका डालने के लिए, तुमसे टैक्स निचोड़ने के लिए नहीं होगी। अस्सुल्तानु वलीयु मल्ला वली लहू। लेकिन मैं कौम से पूछना चाहता हूं कि जो लोग आज कहते हैं कि एक और बारी दे, मेरा बाप वजीर आजम, मेरी मां वजीर आजम, मेरा नाना सदर पाकिस्तान वजीर आजम, तो मेरा भी हक बनता है। दूसरा कहता है कि 3 बार मैं वजीर आजम रहा हूं, एक और बारी भी दिल चाहता है। मेरे दोस्तों, ये आपका मुल्क है, ये मेरा मुल्क है। जमात इस्लामी कौम को हक दे सकती है। जमात इस्लामी के साथ एक निजाम है, हमारे साथ एक मुनज्जम टीम है, हमारे साथ एक जबरदस्त तजर्बा है। हम पर जहां भी कौम ने एतमाद किया है, हमने डिलीवर किया है। मैं इस सूबे का फाइनेंस मिनिस्टर था, इस सूबे पर 1 रुपया का कर्ज नहीं था, खैबर पख्तूनख्वा को मैंने कर्ज फ्री सूबे बनाया था। आज इस सूबे पर 1000 से ज्यादा 1000 अरब का कर्जा है।